टू फ्री आई एस क्लासेस, आज हम आपको बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आई एस एग्ज़ाम और पी सी एस के लिए जो प्रिपरेशन करने के लिए जो एप्लीकेशन है। सो आज हम देखेंगे, लास्ट टाइम में मैंने आई एस बाबा के बारे में बताया था, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके और वीडियो में भी जाके आप देख सकते हैं। तो मैं इस आज की वीडियो में जो आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ ए एफ ई आई एस के बारे में है। सो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बोथ के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसमें लॉगिन किया हुआ है, बट आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा एप्लीकेशन है। इसमें देख रहे हैं कि 8000 इसमें रिव्यूज़ हैं, रेटेड है 3+, इसको रेटेड दिया गया है और 100 जो के यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा प्लस इसके जो यूज़र्स हैं। तो आपको बता दें ये एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटोज़ हैं, ऐसे आपको मैं एप्लीकेशन खोल के दिखाऊँगा कि कैसे आप इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो इसमें विजय अग्रवाल जी हैं जो बहुत अच्छे टीचर हैं, ऑलरेडी सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, तो उनके बारे में भी है, उन्हीं का है सब कुछ, उन्हीं ने बनाया है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं ओपन कर देता हूँ क्योंकि मैं इंस्टॉल किया हुआ हूँ ऑलरेडी। सो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद जैसा दिख रहा है ये आपका AFEIS का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है राइट नाउ। सो अब दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा बकायदा एप्लीकेशन दिख रहा है, लेटेस्ट क्लासेस पेमेंट। अभी आपको डैशबोर्ड में यहाँ से जैसे आपको इस पर स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, लेकिन इसको नीचे अभी आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है डेली ऑडियो लेक्चर। तो डेली ऑडियो लेक्चर में आप क्लिक करेंगे तो डेली ऑडियो लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि ये 13 जुलाई यानी कि ये कल की डेट है। तो प्री 2021 की तैयारी कैसे करें, बहुत ही अच्छा इन्होंने ऑडियो लेक्चर्स बनाते हैं, डेली ऑडियो लेक्चर जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, करंट इवेंट से रिलेटेड होता है, कोई भी चीज़ से रिलेटेड होता है। तो आंतरिक सुरक्षा के ऊपर इन्होंने बना रखा है, प्रवासी श्रमिक की सूद के ऊपर बना रखा, राजकोषीय स्थिति, तो मतलब ये सब डेली आपके डेली ऑडियो लेक्चर इसमें मिलेंगे जो बहुत ही बेनिफिशियल है। और विजय अग्रवाल जी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लोर किया है। तो ये आपको बताया था मैंने डेली ऑडियो लेक्चर हो गया। अब आ जाते हैं लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट के जो आपको ऑडियोज लेक्चर्स मिलेंगे उसमें आपको डेली जो घटना होती है, घटना एक संदेश अनेक, इसमें आपको जो इंटरव्यू बेस्ड जो है आपका तैयार करने का है, इवन एथिक्स पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपके प्रिपरेशन का जो इंटरवल है ये पूरा जो सेशन चलेगा पूरा 1 साल 2 साल का जो पूरा है उसके बारे में बताया गया, कैसे आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये हर दिन आपको अपडेट होता है, अवसर के उपाय, अवसर एवं ऊर्जा, इवन डिप्रेशन के ऊपर, एंग्जाइटी के ऊपर, बहुत सारे इसमें आपको लेक्चर मिलेंगे जो इन्होंने डेली आपको क्या करना और होना, तो बहुत सारी चीज़ें, असंतोष मतलब निराशा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने अच्छे से इसमें लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने दो चीज़ देख ली, डेली ऑडियो लेक्चर और लाइफ मैनेजमेंट। अब आ जाते हैं न्यूज़ क्लिपिंग। न्यूज़ क्लिपिंग जो एक आईएएस एस्पिरेंट के लिए, यूपीएससी और पीसीएस के एस्पिरेंट के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब होता है, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट जो आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको न्यूज़ क्लिपिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। न्यूज़ क्लिपिंग और द हिंदू और इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए जनसत्ता, तो बहुत सारे, और इसमें आपको जो AFEIS में आपको सारे न्यूज़ के क्लिपिंग्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे 13 जुलाई यानी कि कल की डेट देखेंगे तो आपने न्यूज़ क्लिपिंग देखना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये बहुत अच्छा जो फाइनेंशियल सेक्टर का, इकोनॉमिक सेक्टर का जो आता है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से ले लिया गया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इकोनॉमिक्स टाइम्स में लिख लिया गया है। तो ये देखिए न्यूज़पेपर, जगह जगह से न्यूज़पेपर इन्होंने उसकी क्लिपिंग्स ले रखी है। अब आ जाते हैं इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, इसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के बनते हैं। सो यहाँ पे हो गया। उसके बाद आते हैं अब गुड न्यूज़, द गुड न्यूज़ है, इंडियन एक्सप्रेस का ही एडिटोरियल है। सो अब आ जाते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का ही है। तो नेक्स्ट जो न्यूज़पेपर है वो देखते हैं, ये भी इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के बहुत सारे कल आर्टिकल्स आए, तो उसमें अब आ जाते हैं द हिंदू, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर है
वो लोग मंगाते ही हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन ऐसा है कि इस समय लॉकडाउन की स्थिति है, न्यूज़पेपर आप नहीं मंगा रहे हैं कोरोना की वजह से, चाहे कोई भी इशू है तो डायरेक्टली इसमें एप्लीकेशन में जाके पढ़ सकते। हिंदू हो गया तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब आ जाते हैं द हिंदू का ये भी आर्टिकल है। तो अब हिंदी वालों के लिए दैनिक भास्कर, जो एक और अच्छा सम्मानित न्यूज़पेपर है जो IAS एस्पिरेंट के लिए, हिंदी छात्रों के लिए। सो यहाँ पे भी दिख रहा है दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, दैनिक जागरण का आ गया, ठीक है। बाद आता है जनसत्ता का भी रहता है, बिजनेस स्टैंडर्ड का भी हो गया, उसके बाद जनसत्ता का भी रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपके मतलब उस दिन अच्छा आर्टिकल आता है तो इसमें बहुत सेलेक्टिव देते हैं ये जनसत्ता का, जैसे मानसून और अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा इसमें इसमें सारे क्लिपिंग्स हैं। हिंदुस्तान का, इवन हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लोग पढ़ते नहीं हैं, बट यहाँ पे आपको क्लिपिंग्स मिल जाएगी, आपको न्यूज़ एनालिसिस पूरा मिलेगा। मतलब एक तरह से निचोड़ के इन्होंने बनाया है न्यूज़ क्लिपिंग में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, न्यूज़ क्लिपिंग हमारा हो गया, वीडियो हो गया, लाइफ मैनेजमेंट हो गया, सॉरी ऑडियो हो गया। अब करंट कंटेंट, अब करंट कंटेंट में भी आपको ये जैसे सार्वजनिक संस्कृति के मायने, ये भी करंट कंटेंट जो होता है, जो इश्यूज़ हो गए, जैसे कि बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हो गए, उसके बारे में ये कंटेंट मिलेंगे आपको हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में भी आपको इंग्लिश में न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स मिलेंगे, बट इसमें हिंदी मीडियम के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। जैसा कि IAS बाबा का जब मैंने बनाया था एप्लीकेशन के लिए, तो किसी बच्चे का कमेंट आया था कि भाई हिंदी मीडियम छात्रों के लिए भी कोई एप्लीकेशन आया, तो ये एप्लीकेशन बोथ के लिए, दोनों छात्रों के लिए, छात्रों के लिए। तो यहाँ पे वीडियो में देखेंगे तो वीडियोस में आपको विजय अग्रवाल सर के बहुत अच्छे, डॉक्टर विजय अग्रवाल सर हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनके टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे सब कुछ सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट में, फिर उसके बाद आते हैं एयर न्यूज़ में। एयर न्यूज़ में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, जो IAS एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डेली समाचार, समाचार प्रभात, इवन मॉर्निंग न्यूज़ और इवनिंग न्यूज़ और नाइट न्यूज़ एट नाइट, आपको डेली न्यूज़ सुनना ही है। तो ये बहुत अच्छा है कि ऑल इंडिया एप्लीकेशन के लिए आप अलग से नहीं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते, तो इसी में आपको मिल जाता है। इवन मैगज़ीन भी आपको मिल जाएगी, मैगज़ीन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैगज़ीन जो गवर्नमेंट की ही, खुद की ही है, कुरुक्षेत्र और योजना, तो ये आपको इसमें मिल जाएगी, कुरुक्षेत्र और योजना। उसके बाद आते हैं तो यहाँ पे अब आ जाते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत अच्छा एक अवसर होता है जिसमें आपको अपना आकलन कर सकते हैं, तो ये मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है हिंदी इंग्लिश दोनों छात्रों के लिए। जैसे मैंने हिंदी में सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, मॉक देने के। और इस समय मॉक चल रहा है 2020 के लिए, तो आप उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों छात्रों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। तो उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे इसमें। उत्तर लिखने के अभ्यास के तरीके यानी आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर आपके 10 ईयर्स के जो हैं क्वेश्चन पेपर, जो सारे आपको इसमें UPSC के मिल जाएंगे 2014 से लेके, क्योंकि 2014 के बाद ज़्यादातर सिलेबस कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसमें आपको सारे मिलेंगे। उसके बाद आता है डिस्कशन, एयर डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है AIR का, सुर्खियों से परे चर्चा के विषय हैं का विषय है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको एयर इंडिया से एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इसमें सेलेक्टिव मिल जाएगा। उसके बाद आता है सिलेबस, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर UPSC एस्पिरेंट को अपने कई सारे सिलेबस अपने पास रखने होते हैं और उसको बार बार पढ़ना होता है, तो यहाँ पर आप बार बार इसमें जाके आप डाउनलोड करके इवन देख भी सकते हैं। और सिलेबस जो नोटिफिकेशन है, न्यू सिलेबस है, यहाँ पे नीचे मेंशन किया हो गया 12 फरवरी 2020, तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएगा। तो ये था AFEIS के बारे में, जो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, वन प्लेटफॉर्म है सारे सॉल्यूशन का, सारे क्वेश्चन का ओनली वन सॉल्यूशन है। और इसमें आपको यहाँ पे भी आपको NCERT बुक्स, अब आ जाते हैं NCERT बुक्स भी मिलेगा, इवन इन्होंने बहुत अच्छे से 6 से 12 तक अरेंज करा रखा है। और उसके बाद आता है इसमें, इससे इस स्लाइड में भी आपको बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली मिल सकती हैं ऊपर। उसके बाद आता है क्लासेस के बारे में, तो सर का एक प्रोग्राम होता है 15 डेज़ का या
उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास और 15 डेज़ के ऑफलाइन क्लास। तो इसमें आपको बकायदा कुछ फ़ीस पेमेंट करना होता है, उसके बाद आपको अरेंज कराया जाता है और ये बहुत बढ़िया सेशन होता है, वो भी सेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं 15 डेज़ क्लासेस के लिए, ठीक है। तो ये सारी वीडियोज़ थी AFE IAS की। कैसा लगा ये हमारी वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9540208841। सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें क्योंकि कॉल पिक नहीं होगा, और व्हाट्सएप ही करें। और हमारे और भी चीज़ें जो ग्रुप्स हैं उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो नंबर है 9540208841। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अच्छे से बने रहें, तैयारी करें इस लॉकडाउन की स्थिति में। 4 अक्टूबर को पेपर है और अच्छे से प्रिपरेशन करें, इस बार बहुत अच्छे से दें। और जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, किसी भी न्यूज़पेपर के लिए, चाहे हो AIR के लिए हो, चाहे लाइफ मैनेजमेंट के लिए हो, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं इसमें। चलिए फिर एंड करते हैं सेशन को। सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें।